थैंक यू विक्रांत जी। मेरी जो भाषा है वो इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी मिक्स होके चलती है थोड़ी, है ना, तो सेम है। और मैं तो बल्कि अनीश जी से इतना रूबरू हो चुका हुआ हूँ कि मैं, मेरे को एक्चुअली बात करते हुए परसों मैं इनके यहाँ गया तो मैंने कहा सर बात करनी है, तो मुझे पर्ची बना के लानी पड़ी इसको कैसे चलाया जाए, ये थोड़ा सा मेरी मार्गदर्शक रहेगी। तो अनीश जी से हम शुरुआत करना चाहेंगे। अनीश जी का इंट्रोडक्शन दूंगा मैं, हालांकि अनीश जी मुझे हर बार मना करते हैं कि मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करना है आपने, बट मैं करूँगा। अनीश जी नीरजा भनोट जी के ब्रदर हैं, के भाई हैं, और मैं कहूँगा कि ये चंडीगढ़ की इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है। आज हमारे समक्ष बहुत सारी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज बैठी हैं। हमारे सामने सुदेश जी बैठे हैं, शिव कुमार शर्मा जी बैठे हैं और अनीश भनोट जी हैं। अनीश भनोट जी इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज हैं जो विश्व भर में मतलब मशहूर हैं। उनकी जीवन गाथा, उनकी बायोग्राफीज को पिरोते हैं अपनी किताबों में। अनीश जी रोटरी चंडीगढ़ के प्रेसिडेंट भी हैं, तो जितनी भी समाज में रोटरी के बड़े कैंप्स और बड़े प्रोग्राम्स जो भी चलते हैं शहर में, वो अनीश जी उन्हें अंडरराइट करते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब अनीश जी अपने बारे में खुद थोड़ा बताएंगे। अनीश जी ने कहा था मुझे थोड़ा बोल के छोड़ देना, बाकी मैं बताऊंगा सब। ये जगह बहुत बढ़िया है, भाल भवन, क्योंकि हम लोग रहते थे 16 सेक्टर में सामने, और मेरी नानी रहते थे 23 सेक्टर में इधर, तो ये हम शॉर्टकट यूज करते थे जाने को। जब बच्चे होते ना छोटे छोटे, तो हम बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली से है, दो भाई एक बहन, और बड़ी जैसे दो भाई एक बहन होते लड़ते रहते थे आपस में। और उसमें नीरजा का रोल, नीरजा तो हम कमी बोलते थे, लाडो ज्यादा बोलते थे, तो लाडो का रोल बड़ा क्रिटिकल होता था। कोई जिस साइड पे लाडो होती थी वही साइड जीतती थी, तो हम दोनों भाई कोशिश करते हैं लाडो हमारी साइड पे आते हैं। तो इधर से हम क्रॉस करके जाते थे नानी जी के घर। और शाम को 23 सेक्टर में क्या होता था, ये सारी लेडीज बाहर कॉमन कोर्टयार्ड था वहां पर आ जाती थी और स्वेटर बुनती थी और हमारे को कहानियां सुनाती थी। और कहानियाँ भी अलग अलग होती थी, भगवान की, ये है, साथ में कभी भूतों की कहानी सुनाती थी। तो रात को अपन तीनों पैदल जाते थे वापस घर, तो भूतों की कहानी सुनने के बाद हम तो बंदे बड़े दिलेर थे, लेकिन जरा सी बात आती खट करके तो हमारे को टेंशन हो जाती थी। इधर बाजू में एक नाला जाता है, उसका नाम मैंने रखा था गंदा नाला। तो हम छोटे थे, हमने देखा लाडो डरती थी वो गंदे नाले से, तो हमने उसको थ्रेटन करना शुरू कर दिया, क्योंकि बड़े रोब झाड़ती थी हमारे ऊपर। सबसे छोटी थी लेकिन घर में चलती थी उसकी, तो हम उसको बोलते थे हमारा काम पर, नहीं तो करो गंदे नाले में फेंक देंगे। तो कई महीने तो बड़ा अच्छा चला, तो उसको डरा देते थे ये कर मार्केट जाके ले आया हमारे लिए, नहीं तो गंदे नाले में फेंक देंगे। फिर 5-6 महीने के बाद उसने बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये कौन सा गंदा नाला। और उसके बाद बेचारे हम दोनों फिर वही दुबक दुबक के उसका काम करते थे। तो लाडो जो शुरू से ही बड़ी दिलेर थी, बहुत ही दिलेर थी। और तो जब वो बॉम्बे, मेरे फादर एक अखबार में काम करते थे, तो उनका ट्रांसफर हो गया बॉम्बे, तो हम लोग भी एक्सेस पैकेज करना साथ में चले गए उनके बॉम्बे में ही, और बॉम्बे में पढ़े और फिर काम करना शुरू कर दिया उधर ही। तो मेरा बड़ा भाई जो, वो एक जगह उधर फोर्ट में काम करता था, और लाडो जो स्टडी करती थी सेंट जेवियर्स कॉलेज में, जो भी फोर्ट में था। तो मेरा भाई अखिल स्कूटर पे जाता था ऑफिस, और हम लोग लोकल ट्रेन, बॉम्बे सारे लोकल ट्रेन ही पकड़ते हैं, हम भी लोकल ट्रेन में जाते थे। तो कई बार लाडो बोलती थी अखिल को कि तुम मेरे को लिफ्ट दो, हम 1.5 घंटा लगेगा, हम गप्पे मारते चलेंगे। तो और कई बार वो स्कूटर पे साथ में चली जाती थी। तो एक बार ही क्या हुआ, ये जा रहे थे तो एक जगह रास्ते में आती है माहिम, जब क्रॉस कर रहे थे तो लाडो ने देखा एक बंदा एक औरत को मार रहा, थाड़ थाड़ थाड़। तो लाडो ने अखिल को बोला रोक रोक स्कूटर रोक, तो स्कूटर रोका, ये भाग के गई उस बंदे के पास, उसका हाथ पकड़ लिया, बोला कैसे मार रहे थे उसको। लेकिन उल्टा पड़ गया, वो जो औरत थी बोली ये मेरा मर्द है, तू कौन है बीच में बोलने वाली, मार रहे थे उसको। और लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए, और अखिल ने स्कूटर को रोका, अपना उस स्टैंड पे लगाया, भागा, उसने लाडो को पकड़ के साइड पे लेके गया। और बड़ी मुश्किल से स्कूटर पर बैठाया और फिर पूरे रास्ते में चुप करके कोई बात नहीं हुई। शाम को घर में अखिल ने लाडो को बोला, तू ये क्या कर रही थी सुबह, मरने का तेरे को? लाडो बोलती नहीं, उसको नहीं मार सकता, तो कैसे मार सकता? अखिल बोला, लेकिन देख बात बहुत उल्टी पड़ गई, लोग तेरे को मारने आए थे। तो अखिल ने बोला, क्या लोग बोल रहे थे, क्या करना चाहते, मेरे को लेना देना नहीं, मेरे को नहीं पसंद था कि वो लोग उसको मारे, तो मैंने उसको रोक दिया। तो अखिल बोला, यार तू ऐसे इतने वैल्यूज देकर चलेगी तो जिंदगी में तो चलेगी नहीं ऐसे। तो छोटी सी लड़की ने, अभी 17 साल की थी, अखिल को बोलती है, देख भाई, उस अखिल का पेट नेम है मुन्ना, देखो मुन्ने, ये दुनिया 1 मिनट की हो सकती है और साथ में छुटकी मारने लगी, 5 दिन की हो सकती है, 10 दिन की हो सकती है, 1 साल की हो सकती है, 20 साल की हो सकती है, लेकिन जिस जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं है उसके लिए मैं क्यों पावर करूं कि मेरी जिंदगी लंबी रहेगी कि नहीं रहेगी। और वही उसने हाईजैक में किया। जब वो टेररिस्ट सामने आ गए, वो हिली नहीं वहां से।